आप जानते हैं ट्रक के एरोडाइनेमिक्स के पीछे क्या साइंस होती है जिससे कि आप अपनी फ्यूल की इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं यानी आपके जो फ्यूल की जो खपत है उसको कम कर सकते हैं तो नमस्ते दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रक एरोडाइनमिक्स के बारे में और ये कैसे फ्यूल इफिशियंसी को इम्प्रूव कर सकता है ट्रक एरोडाइनेमिक्स का मतलब होता है कि हम अपने ट्रक्स को ऐसे डिजाइन करें जो उन्हें एयर रेजिस्टेंस से बचाएं और फ्यूल इफिशियंसी को इम्प्रूव करें इससे न केवल फ्यूल की बचत होगी बल्कि आपके जो ट्रक्स का कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम होगा तो चलिए शुरू करते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ सबसे पहले जब ट्रक्स हाई स्पीड पर चलते हैं तो उनके आगे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा एयर रेजिस्टेंस होती है इसीलिए ट्रक के डिजाइन को ऐसे बनाना चाहिए कि एयर स्मूथली उसके साइड और रूफ पर ग्लाइड कर सके जब आप अपने ट्रक का डिजाइन एरोडायनामिक बनाते हैं तो फ्यूल एफिशिएंसी 10 से 20 तक बढ़ जाती है यानी जो आपकी जो फ्यूल की खपत है डीजल की वो

आप कैसे अपने ट्रक के एरोनोमिक को इंप्रूव कर सकते हैं तो चलिए कुछ टिप्स भी इसके साथ साथ सीख लेते हैं ट्रक के फ्रंट पर ऐसे डिफ्लेक्टर्स लगा सकते हैं जो एयर को ट्रक के साइड पर

बेहतरीन टिप्स जिनसे आप अपने ट्रक की एरो इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं जिससे आपके कम खर्च हो और आप ज्यादा से ज्यादा बचत कर पाए उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है जो टिप्स है वो पसंद आई होगी और साथ ही साथ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए फैक्ट्स और टिप्स के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दो जिससे आने वाली ट्रक्स की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे धन्यवाद